दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की उद्घाटक देश की यशस्वी लोकप्रिय गृह मंत्री, सहकारिता विभाग के मंत्री, हम सभी के नेता आदरणीय अमित शाह जी, यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी, डीन ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर बलराम पानी जी, साउथ कैंपस के डायरेक्टर प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी, यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता जी, पॉलिटिकल साइंस विभाग के मुख्य प्रोफेसर संगीत कुमार रागी जी, कैंपस की ओपन लर्निंग सेंटर की निर्देशिका प्रोफेसर पायल मोगा जी, दिल्ली विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह की कन्वेनर प्रोफेसर नीरा अग्निमित्रा जी, अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति समूह, विभिन्न कॉलेज की आदरणीय प्रिंसिपल, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, कॉलेजेस और विश्वविद्यालय की टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, समाज जीवन के विशिष्ट अतिथिगण, विद्यार्थी भाइयों और बहनों, मीडिया की साथीगण, मेरा ये सौभाग्य मैं एक ही महीने में एक फोर्टनाइट के अंदर दूसरी बार दिल्ली विश्वविद्यालय में आ रहा हूं। मैं पिछले बार भी कहा था, मैं कभी भी आता हूं तो मेरा मन में थोड़ा ईर्ष्या होती है, काश मेरे विद्यार्थी जीवन में मैं दीयू का छात्र हो सकता। आज भी वो फीलिंग मैं आपके सामने सार्वजनिक रूप में प्रकट कर रहा हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना शताब्दी मना रही है, संजोग देखिए अभी हम देश के अमृत काल में देश के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और पिछले दिनों में हम महात्मा गांधी जी की 150 साल की जयंती भी मना रहे हैं। ये सब सुखद संयोग है कि हम सब इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण क्षण में घड़ी में एकत्रित हुए हैं, और आज सौभाग्य की बात इसलिए है कि देश की गृह मंत्री, जिनको आज हम सब सुनने के लिए उत्सुक है और व्यग्र है, आज हमारे बीच में है। मैं उनको शिक्षा परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, और मैं एक बात आज खुलासा कर रहा हूं, एक राज आपके सामने खुलासा कर रहा हूं। जब हम माननीय गृह मंत्री जी को लेके यहां पहुंचे, जिस यूनिवर्सिटी के एक परंपरागत स्वागत होता है, एनसीसी कैडेट उनको आदर के साथ सभागार की ओर ले आते, कुछ जन गृह मंत्री जी भावुक हुए। उन्होंने कहा, धर्मेंद्र, मैं जब विद्यार्थी था उस समय की देश की वित्त मंत्री मोरारजी भाई देसाई, जो बाद में देश की प्रधानमंत्री बने और एक सशक्त नेतृत्व जिनके साथ, नेतृत्व की छवि जिनके साथ जुड़ा है, वो कब जब मेरे गांव में आए थे, मैं भी ऐसे विद्यार्थी के समय में एक एनसीसी कैडेट के नाते उनको स्वागत किया। तो मैं जो आज चार कैडेट उस इतिहास के हिस्सा बने, आज गृह मंत्री जी को स्वागत करते, मैं उनको बधाई देता हूं। अगले 30-40 साल के बाद उनमें से कोई प्रधानमंत्री भी बन सकता है, ये दिल्ली की ताकत है। मैं गृह मंत्री जी को स्वागत करता हूं। मित्रों, आज अनेक कार्यक्रम अभी इन दिनों में शताब्दी समारोह के दौरान शुरू हो गई है। इस सेमिनार में उस जिस कॉन्टेंट को लेके आने वाले दिनों में स्वराज्य से न्यू इंडिया की जो प्रवास हुई है, विशेष करके पिछले 7 साल नहीं, इस बीच में 8 साल हो गया है, 2014 मई से 2022 मई, इस क्षण में हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई भारत बनाने की जो एक नेतृत्व चल रहा है, उसकी 8 साल अभी पूरा होगा 30 मई को। इस क्षण में, इस काल में जो जो चीज अच्छे हुए हैं, लक्ष्य भारत को 21वीं सदी में एक महाशक्ति के रूप में पुनः स्थापित करना। भारत तो महाशक्ति पहले से ही है, समय चक्र में कभी कभी कोई ऊपर आता है, कोई नीचे आता है, लेकिन मैं इसीलिए मित्र पुल्लकित हूं, हम सब मिलकर 21वीं सदी में भारत को एक महाशक्ति के रूप में बनाना शुरू कर दिए, उसकी प्रवास शुरू हो गया है। संजोग दिल्ली यूनिवर्सिटी उसकी नेतृत्व कर रहा है। मैं गृह मंत्री जी को कह रहा था कि शायद
मान्यवर शाह जी, देश की एकमात्र विश्वविद्यालय होगा जिसकी विद्यार्थी देश की 600 जिले के अंदर रहते होंगे। ऐसे ही विश्वविद्यालय की आज हम उसकी प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। पर विश्वविद्यालय की भूमिका क्या है? मैं तो विश्वविद्यालय की भूमिका में एक उदाहरण के साथ कहूंगा, विश्वविद्यालय एक समूह नहीं होता है, एक कैंपस नहीं होता है। कुछ कालखंड में पढ़ाने वाले गुरु, विद्यार्थी, लेक्चरर, प्रोफेसर और स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं होता है। यह एक इंस्टीट्यूशन है भारतीय व्यवस्था के अंदर। सदियों से इस प्रकार के विश्वविद्यालय हम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। विश्वविद्यालय के महत्व तो क्या है, अगर एक ही विषय में उदाहरण दूं, जब ग्रीक आक्रांत अलेक्जेंडर थक के पराजित होकर लौट रहे थे, उन्होंने अपने सहयोगियों को कहा, सिंधु जब पार करेंगे, उन्होंने कहा कि इस देश को हम जीत नहीं सके। इस देश की अनोखा चरित्र है, राजा को पराजय करने के बाद ये राज्य हमारे अधीन में नहीं आते हैं। जब तक इस समाज में जो गुरु है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको हम पराजित नहीं कर पाते हैं, तब ये देश इस प्रकार के देश है जिसको हम पराजित नहीं कर पाएंगे। उसमें वो जो परंपरा, जो गुरु के महत्व, शिक्षानुष्ठान के महत्व जो आज 21वीं सदी में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हमारे सामने है, वो उस अलेक्जेंडर की उस उक्ति का हमारे मन में पुनः विश्वास प्रतिष्ठा करती है। इसलिए हम आगे और तेजी से बढ़ने वाले हैं। इसी क्षण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई, उसके क्रियान्वयन के बारे में मित्रों ने उल्लेख किया। मैं मित्रों आज जब आपके बीच में आया हूं, दो तीन और विषय अपेक्षा करके जाऊंगा। समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी एक डिसरप्टर के नाते हमारी जिंदगी के नया चीज लेके आ रहा है। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारे देश में इतने चीज पुराने पड़े हैं, या अपने नौजवान इतने नए चीज रोज सृजन कर रहे हैं, आज दुनिया के व्यवसाय में उसको पेटेंट करना एक मुश्किल बात हो जाती है। हमारी देश की खोज पेटेंट नहीं हो पाती है। इसके अर्थ नहीं है कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास अनेक है, लेकिन पेटेंट प्रोसेस की जानकार लोग नहीं है। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी इसी साल से योगेश सिंह जी पेटेंट प्रोसेस की शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्स चला पाएगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी की किसी भी फैकल्टी के विद्यार्थी, किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी पेटेंट प्रोसेस की 3 महीने की कोर्स करने के बाद अपनी एम्प्लॉयबिलिटी ना केवल देश में दुनिया के अंदर ले जा पाएगा? ऐसे कोर्स दिल्ली शुरू करना चाहिए। क्या ब्लॉकचेन अकाउंटिंग, जो तेजी से हमारे भारत की वित्त व्यवस्था में इमर्ज कर रहा है, उसकी स्किल मैन पावर हम बना पाएंगे? क्या ई कॉमर्स, जो हमारी जिंदगी की एक नई आयाम जुड़ चुका है, हमारी नई पीढ़ी सारा चीज ई कॉमर्स पे कर रहा है। ई कॉमर्स 5 रुपया का भी होता है, 5 लाख रुपया का भी होता है। ई कॉमर्स फेसलेस होता है, विवाद होने से उसको समाधान कैसे करें? 200, 300, 400 रुपया की परचेज पे जो बॉटम ऑफ पिरामिड करता है उसको कैसे समाधान करें? मित्रों कुछ मित्र मेरे को परामर्श दे रहे थे, इसकी भी आर्बिट्रेशन की एक कोर्स बनाया जा सकता है। मैं चाहूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी देश के लिए ऐसे फ्यूचरिस्टिक, ऐसे नया कोर्सेस अपने पाठ्यक्रम में धीरे धीरे जोड़े। अंत में मित्रों मैं इतना ही कहूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने जो जिम्मेवारी उठाई है, आज देश में एक वेलफेयर गवर्नेंस मॉडल हमारे सामने है, जिसके बारे में परमादरणीय गृह मंत्री हमको मार्गदर्शन करेंगे। इसको हम कैसे एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में परिचित करें? हमारे देश की अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की 8 साल पूरी हुई। मैं शिक्षा विभाग की ओर से आप सभी को, विद्वानों को एक अपेक्षा रखता हूं, अनेक अच्छे काम पहले भी हुए थे, अनेक अच्छे काम इन दिनों में हुए हैं। मित्रों मैं एक उदाहरण आपको देकर मेरे वाणी को विराम देता हूं। इस कोरोना के दौरान क्या कारण रहा, इतने कष्ट होने के बावजूद, विश्व की इतना विषम परिस्थिति होने के बावजूद हमारी अर्थनीति 7-8% पे ग्रोथ कर रहा है। हमारी जीडीपी क्यों ग्रोथ कर रहा है? दुनिया में कोई एक देश बताए आबादी के, उस देश की आबादी के 80% लोगों को फूड सिक्योरिटी के साथ इन डिफिकल्ट टाइम पे जोड़े। डीबीटी में लाखों करोड़ रुपया सभ्य और सुसंस्कृत और सबसे टेक्नो फ्रेंडली देश भी अपने डीबीटी नहीं कर पाते। भारत में आज
जनधन खाता के माध्यम से लाखों करोड़ रुपया गरीबों की जेब में पहुंच रही है। देश में प्रधानमंत्री कुछ साल पहले होते थे जो कहते थे कि मैं यहां से पैसा भेज रहा हूं तो गरीब की जेब में जाते जाते 15 पैसा हो रहा है। मोदी जी के पास क्या जादू बनी कि 1 रुपया भेजे तो 1 रुपया पहुंच रहा है? क्या ये एक वैचारिक विषय नहीं है? क्या ये एक अकादमिक परामर्श की विषय नहीं है? मैं अपेक्षा रखता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी हमको आलोचना करे, हमको सुधारे। गुरु का काम तो वही है, और हमारी अगर कुछ अच्छे काम हुए हैं तो मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए उसको वैश्विक स्तर पे ले जाए, इसी अपेक्षा के साथ फिर मैं अपेक्षा में अंत में रखूंगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ना केवल देश की आवश्यकता को पूरा करे, विश्व की आवश्यकता को पूरा करने की दायित्व तो आपके ऊपर है। शताब्दी में यही आपकी संकल्पना होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।